और मुंबई के बाद अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर चुनावी पारा और चढ़ने जा रहा है। सीएम नीतीश और लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली है। पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान के खिलाफ कल से नीतीश और लालू शब्द वापसी अभियान चलाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि डीएनए में ही गड़बड़ है। इसी के विरोध में लालू और नीतीश शब्द वापसी अभियान शुरू कर रहे हैं। नीतीश ने खुला पत्र लिखकर मोदी से अपने शब्द वापस लेने के लिए भी कहा था। अभियान के दौरान राज्य भर में करीब 50 लाख लोग पीएम नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान के खिलाफ एक पेटिशन पर दस्तखत करेंगे और डीएनए टेस्ट के लिए अपने सैंपल भेजेंगे। 29 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली का भी आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही इस कार्यक्रम का पहला चरण पूरा होगा। तो आपको बता दें कि यह विवाद दरअसल शुरू कहां से हुआ। यह शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान के बाद। अब मंगलवार को यानी कि कल लालू नीतीश का संयुक्त अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें शब्द वापसी अभियान की शुरुआत हो रही है। ये मांग की जा रही है दोनों की ओर से कि नरेंद्र मोदी अपने शब्द वापस लें। पीएम के डीएनए वाले बयान के बाद से ही ये पूरा हंगामा शुरू हुआ है। इसी का विरोध हो रहा है और बयान के विरोध में एक पेटिशन भेजी जाएगी, जिसे 50,000 से ज्यादा लोग साइन करेंगे, उस पर दस्तखत करेंगे 50 लाख लोग, और 50 लाख लोग ही अपना सैंपल भेजेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। 29 को लालू और नीतीश की स्वाभिमान रैली होगी और इसके साथ ही पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा इस अभियान का। पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट क्या कुछ किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार बार गुजारिश करने के बाद भी पीएम मोदी ने अपना आपत्तिजनक बयान वापस नहीं लिया है। हम लोग शब्द वापसी अभियान चलाने जा रहे हैं और इस अभियान के तहत बार बार गुजारिश करने के बाद भी मोदी ने क्योंकि अपना बयान वापस नहीं लिया है, इसीलिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। और जिस बयान पर ये पूरा घमासान खड़ा हुआ है, वो बयान हम आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने एक रैली में दिया था। उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी की थी। चंद्र राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तो मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है।